योर नेम इज़ वाई राइट? तो भाई इसका नाम है वाई, शी इज़ फ्रॉम चाइना, से हाई टू माई ऑडियंस. ओके लेट्स गो. सो यू वांट टू ड्राइव? यू ड्राइव बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव हियर. वाई जो है इंडिया घूमना चाहती है. सो आई एम टेलिंग माई ऑडियंस दैट यू आर यू वॉन्ट टू ट्रेवल इंडिया. You like Indian culture? Yeah. Is it like difficult to get Indian visa in China? Yeah, very difficult. Why like? I didn't understand. Because as an Indian, if I want to go China, it's really easy. So, why? ये भी इंडिया घूमना चाहती है लेकिन ये कह रही है कि हमारी गवर्नमेंट अलाउड नहीं करती. हेलो हेलो टू द इंडिया. हेलो टू इंडिया. वी आर फ्रेंड्स. वी आर फ्रेंड्स. गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग के अंदर. तो आज के इस ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ मुईने से. सुबह के बज रहे हैं लगभग 5:50. सुबह के 5:50 हो रहे हैं और 6:10 पर मेरी बस है. तो मैं निकल रहा हूँ अभी अपने हॉस्टल से क्योंकि मेरी बस है यहाँ मुईने से डालाट. तो मैं जा रहा हूँ पहले अपना चेकआउट करने के लिए. और यहाँ पे हॉस्टल में एक रूल है कि मतलब जब आप चेक इन करते हो ना तो अपना पासपोर्ट आपका जो है वो जमा कर लेते हैं. तो अपना पासपोर्ट लेते हैं इनसे और चलते हैं. हमारे पास है सिर्फ 20 मिनट, बाकी मेरे को जाना सिर्फ बाहर तक ही है, बाहर ही आएगी बस लेने के लिए. तो हाँ, क्योंकि मेन रोड पे है ना. तो चलते हैं, अपना पासपोर्ट लेते हैं और करते हैं आज के इस व्लॉग की शुरुआत. आज मैं आपको दिखाऊंगा वियतनाम की 5-स्टार बसों की जर्नी. वियतनाम के अंदर यार बसों की कनेक्टिविटी ना बहुत बढ़िया है. तो पहले अपना पासपोर्ट लेते हैं, चेकआउट करते हैं और फिर निकलते हैं. कोई यहाँ पे तो कोई है ही नहीं. अरे यार यहाँ पे तो कोई है ही नहीं. वियतनाम की 5-स्टार बसों की कनेक्टिविटी यार पूरे देश में बहुत बढ़िया है. तो करते हैं आज की जर्नी की शुरुआत और आपको आज मैं वियतनाम की 5-स्टार बसें कैसी होती है, स्लीपर बसें कैसी होती है वो दिखाऊंगा. भाई बहुत बढ़िया लगी यार मेरे को, थाईलैंड से बहुत बेटर लगी. जब मैं हाटियान बॉर्डर से होचीमिन आ रहा था ना कंबोडिया से वियतनाम, उस समय मैंने बस में सफ़र किया था और भाई क्या मस्त सफ़र था. तो करते हैं आज की जर्नी की शुरुआत. मैंने देखा रिसेप्शन पे कोई नहीं है तो पहले तो मैं आवाज़ मार के रिसेप्शन पे बुलाता हूँ, पासपोर्ट लेते हैं और फिर चलते हैं मेन रोड पे और अपनी बस में बैठते हैं. अपना पासपोर्ट ले लिए और सुबह सबसे पहले उठ के भाई मैं ही निकल रहा हूँ. रिसेप्शन पे भी कोई नहीं था तो मैंने किसी को बुलाया और फिर बोला कि भाई मेरा पासपोर्ट दे दो, मैं जा रहा हूँ, मेरी अर्ली मॉर्निंग बस है. तो अभी जस्ट अपना पासपोर्ट बैठ लिया है. जहाँ से मैंने बस बुक की थी ना उसका मेरे पास मैसेज आ गया है कि भाई बस आने वाली है 5-7 मिनट में, तुम जाके स्ट्रीट पे खड़े हो जाओ और वहाँ से बस तुम्हें ले लेगी. तो मैंने उससे बोला है कि हाँ भाई मैं आ रहा हूँ. तो चलते हैं भाई, करते हैं आज की जर्नी की शुरुआत सुबह 6 बजे और चलते हैं अपनी अगली सिटी डालाट और देखते हैं भाई कैसा सफ़र रहता है. और यहीं पर बस आएगी, आगे उसने बोला था कि रोड के उस तरफ खड़े हो जाना और बस आ जाएगी. भाई एक बस आ तो रही है, यही बस लग रही है मेरे को तो यार सामने जो आ रही है. हाँ यही है भाई, यही है. चलो भाई हाय. इज इट दिस बस? ओके ओके थैंक यू. ओके माय शूज. बस के अंदर आ चुका हूँ मैं और बस भाई यहाँ की काफ़ी लग्जरी है. वियतनाम भाई बहुत बड़ा है तो एक कोने से दूसरे कोने जाने में ना बसें बहुत ज़रूरी है. हालांकि ट्रेन भी है लेकिन ट्रेन का एक स्पेसिफिक रूट है और वो पहाड़ों वाली साइड ज़्यादा नहीं जाती. जैसे होचीमिन से हनोई जाएगी, बीच बीच में जो भी बड़े बड़े स्टेशन है वहाँ पर रुकेगी. यहाँ की बसेस में एक बहुत बढ़िया कि स्लीपर बसें हैं सारी की सारी और मतलब आप सो के आराम से जा सकते हो. 10-12 घंटे 15 घंटे का सफ़र है, आराम से निकाल सकते हो. यहाँ पर बसें भाई 40-40 घंटों की भी बसें होती है. जी हाँ. अभी मैं आ चुका हूँ ऊपर अपनी सीट पे और भाई पैर मैंने एकदम पूरे फैला लिए हैं. ये भाई आ गया अपना विंडो और भाई ये सो गए हम लोग बस में. मेरे को एक चीज़ इन बसों में यही बढ़िया लगती है कि वाईफाई दे रखा होता है और वॉशरूम नहीं है यार. इतनी लंबी बसों में वॉशरूम होना चाहिए. हालांकि बस यार रुकती रहती है, हर 2-3 घंटे बाद एक स्टॉप लेती है 10-15 मिनट का, तो ये चीज़ बढ़िया है. लेकिन मेरे हिसाब से एक वॉशरूम होता ना तो ज़्यादा बढ़िया रहता. हमारी बस भाई पिछले 1 घंटे से रुकी हुई है, 50 मिनट 1 घंटे से, और भाई बस चला ही नहीं रहा, बंदा पता नहीं कहाँ चला गया. भाई मैं तो आराम से सो गया हूँ यार बस के अंदर. स्लीपर बस का यही है कि आराम से लेटो और सो जाओ. बाकी ये लो, बात करते करते इसने बस ही बंद कर दी. चलो भाई
निकल गया भाई फाइनली कैसे ना कैसे। 1 घंटे तक भाई ने बस रोक के रखी वहां पे। भाई पहुंच गया, आधे रास्ता क्रॉस कर लिया हमने और अभी हमारी बस रुकी है कोई ढाबे पे, होटल सा यार छोटा सा। और भाई इतना अच्छा कंट्री साइड एरिया है ना, ये देखो भाई तितलियां भाई मेरे आसपास। बाकी अभी वक्त हो चुका भाई 9:10 हो चुके हैं, सुबह 6 बजे निकले थे हमने, 3 घंटे में अभी आधे रास्ता क्रॉस किया है, जबकि सफर था 160 किलोमीटर का। पर ठीक है जो भी है, सामने कोई नदी जा रही है भाई, इतनी खूबसूरत लग रही है। और इस तरफ हमारी ये बस है भाई, गुड्डे वगैरह मांड रखे हैं इस पे, मांड रखे मतलब छाप रखे हैं। एक तो यार मेरे साथ ये दिक्कत है, बोलते बोलते यार मुंह से राजस्थानी निकल जाती है। बाकी यार यहाँ चप्पल उतार सकते हो और वापस जाओ ऊपर। भाई मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही कि ये बस इतनी खाली क्यों है, क्योंकि ज्यादातर बसें यार खाली होती नहीं है वियतनाम में। ये बस भाई लगभग 8-9 लोग हैं इस बस में, बाकी सारी खाली है और इसकी कैपेसिटी है 40 लोगों की। मेरे को ये बात समझ नहीं आई क्योंकि मैं देखता हूँ ज़्यादातर बसें यार भरी हुई चलती है, क्योंकि काफ़ी टूरिस्ट लोकेशन है स्पेशली डालाट। एक रीज़न ये हो सकता है कि भाई सुबह बस बहुत अर्ली मॉर्निंग चलती है और लोग हो सकता है अर्ली मॉर्निंग बस को अवॉइड करते हैं ताकि सुबह जल्दी उठना ना पड़े या फिर इतना जल्दी बस ना पकड़ना पड़े। लोग 9-10 बजे वाली, एक 12 बजे भी चलती है शायद, वो बस लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पता नहीं क्या रीज़न है। खैर जो भी है, बस 30-40 किलोमीटर और बचा है डालाट पहुँचने वाले हैं। बाहर हल्का हल्का बारिश वाला मौसम हो रखा है जो कि रेनी सीजन की वजह से है। बस भाई ऑलमोस्ट खाली है, देखो बस थोड़े थोड़े लोग हैं इधर। 5 घंटे की जर्नी के बाद हम लोग पहुँच गए हैं डालाट और आपको दिखाता हूँ, एकदम पहाड़ों के बीच में पहुँच चुके हैं हम लोग। ये है भाई डालाट सिटी, बहुत ही खूबसूरत सा शहर है भाई, पहाड़ों के बीचों बीच है, जैसे मलेशिया में कैमरून हाईलैंड्स था ना वैसे ही। लो भाई पहुँच गए हम लोग, बस अभी रुकी है, बैग ले लिए दोनों, एक बार नीचे उतरता हूँ फिर बताता हूँ। प्लीज डोंट किल मी, हां लेट्स गो। बिग वन, ओके भाई बैग दे रहा हूँ उस माशे को। हे यू गो। तो भाई मैंने ले ली है बाइक, ये बाइक वाला हमें छोड़ देगा दिस बैग। तो चलो भाई चलते हैं यार, मैंने बाइक वाली कैब ही करवा ली क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है और बारिश कभी भी आ सकती है तो कुछ कह नहीं सकते। तो हम लोग चल रहे हैं अभी रोड के बराबर में, बारिश आ रही है और ये बराबर में भाई डालाट की लेक है भाई, बहुत ही फेमस। और भाई कितनी सुंदर लग रही है यार, और डालाट भाई बिल्कुल ही अलग है यार, एकदम पहाड़ों के बीचों बीच और बारिश आ रही है। अरे बाप रे तेज होगी बारिश यार। लू भाई हेलो। हेलो हेलो टू द इंडिया। हेलो टू इंडिया, वी आर फ्रेंड्स। वी आर फ्रेंड्स, ही इज ड्राइविंग मी फॉर अ चीपर प्राइस। मेरा नाम, माय नेम इज अभी। अभी अभी, यू कैन कॉल मी अभी। अभी अभी, नाइस टू मीट यू अभी। नाइस टू मीट यू जियानू। रेनकोट डाली है और चलते हैं भाई सीधा अपने स्टे पे, बारिश जोरों शोरों से हो रही है। रेनकोट में पता नहीं भाई मैं कैसा लग रहा हूँ, पर ठीक है। बाकी डू यू हैव एन एक्स्ट्रा कवर फॉर बैग? नो नो, ओके। तो भाई बैग मेरा गीला हो रहा है पर कोई इलाज नहीं है अभी। तो भाई चल रहे हैं दूसरे टैक्सी ड्राइवर के साथ। सही है, या क्योंकि भाई वो भाई तो चला गया क्योंकि उसको जाना था, लेट हो रहा था वो, तो मैंने अब दूसरी टैक्सी बुलाई है, ये तो छोड़ेगी, लेट्स गो। तो भाई बैग मैंने अपना रैप अप कर लिया है ताकि भीगे नहीं, मैं पूरा रैप अप हो चुका हूँ और अब जाने वाले भाई हमने, मैं थैंक यू सो मच। तो भाई मेरे को दे रहा है ये ताकि मैं ये पहन सकूँ, मतलब फ़ोन पे डाल सकूँ, यार क्या बोल रहा हूँ मैं अभी। हम लोग सीधा लेट्स गो। पिछले 2 घंटे से बारिश बहुत तेज़ हो रही है, 11:30 मैं पहुँच गया था भाई बस स्टैंड और उसके बाद अभी 11:30 से 1-1.5 बजे का टाइम हो गया, 2 घंटे हो गए लगभग और मैं अभी तक पहुंचा नहीं, और सिर्फ 6 किलोमीटर था बस स्टैंड से जहाँ मैं जा रहा हूँ। बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। 2 बार तो बाइक स्किड होते थे बची है, ओ भाई साहब मरते मरते बचे 2 बार तो, अभी पता नहीं। और ओ भाई देखो कुछ सड़क पे दिखाई नहीं दे रहा, पानी पानी हो रहा है।
अरे बाप रे, डर भी लग रहा है भाई, सही बताऊं तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा सड़क पे, कुछ भी। क्या बात है भाई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा सड़क पे। मेरे हाथ लिटरली भाई जम चुके हैं, कांप रहे हैं भाई, मेरी पूरी बॉडी कांप रही है इतनी, मतलब मैं कम से कम 2 घंटे बारिश में भीगा हूँ। और भाई पूछो मत आज का एक्सपीरियंस, पहले मैं अपना स्टे दिखा देता हूँ मैं कहाँ रुक रहा हूँ। तो भाई ये एक गेस्ट हाउस है, बहुत ही सुंदर, फार्म के अंदर ही। तो एक बार मैं कर देता हूँ इसे क्लोज। तो भाई ये है अपना स्टे अगले कुछ दिनों के लिए, मतलब इतना प्यारा ये लकड़ी का हाउस है भाई। और यहाँ पे 2 लोग रुके हुए हैं, मैं इनमें से एक बेड ले लूँगा, शायद मैं ये लूँगा, मेरे को ये अच्छा लगा। तो ये स्टे है भाई अपना, और यहाँ से भाई देखो बाहर विंडो से, और भाई सारे के सारे फार्म है भाई, और सारे घर लकड़ियों के हैं, क्या ही खूबसूरत लग रहे हैं ना। तो भाई ये होने वाला है अपना घर अगले कुछ दिनों के लिए, शायद मैं 4-5 दिन रुकूंगा डालाट में। तो भाई मेरे को ये जगह बहुत पसंद आ रही है, और पहला इंप्रेशन भाई पूछो मत यार। भाई मैं इतना ज्यादा मतलब कांप रहा था बाइक पे, क्योंकि एक तो मैंने कुछ सुबह से खाया नहीं है, ठीक है। सुबह मैं 6:30 बजे उठा था, 6 बजे वाली हमने बस ली, तो कुछ खाने का मौका नहीं मिला, रास्ते में भी कुछ नहीं मिला, बस जहां पे रुकी वहां सिर्फ नॉनवेज मिल रहा था, तो कुछ बिस्किट वगैरह खाए थे सिर्फ। और भाई भूख लगी हुई है बहुत ज्यादा, और ठंड में मेरे लिटरली मेरे हाथ है ना, ये मेरे को फील नहीं हो रही ये उंगलियां, आप लोग पता नहीं इमेजिन कर पा रहे, मेरे को लिटरली ये उंगलियां पूरी सुन्न हो चुकी है, फील नहीं हो पा रही मेरे को। और भाई स्ट्रेसफुल अराइवल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आप सबका एक और नए व्लॉग के अंदर, और एक और नई जगह वियतनाम से, डालाट, जो कि एक सिटी है भाई, होचीमिन से लगभग 6-7 घंटे की ड्राइव है, 300 किलोमीटर दूर पड़ती है सिटी डालाट। और मैं आ चुका था भाई परसों डालाट में, कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, परसों लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा भाई बहुत तेज बारिश हो रही थी, और कैसे कैसे भाई मैं यहाँ पहुंचा था। और यहाँ पे भाई अभी रेनी सीजन चल रहा है, तो कभी भी बारिश हो जाती है। तो सही है, करते हैं भाई आज के दिन की शुरुआत। आज मैं जा रहा हूँ मेरी एक चाइनीज फ्रेंड है उसके साथ लोकल एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए, हम लोगों ने स्कूटी रेंट कर ली है और हम जा रहे हैं। पहले तो यहाँ पे एक बहुत ही फेमस लेक है, मैं जा रहा हूँ उस लेक पे, और आप लोगों को मैं वो लेक दिखाना चाहता हूँ। और भाई जहाँ मैं रुका हूँ ना वो जगह बहुत सुंदर है। तो ये देखो, ये देखो भाई, ये लकड़ी का घर है जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, और एकदम ये ना फ्रेंच कॉलोनी है, तो सारे घर फ्रेंच स्टाइल में आपको मिलेंगे। और ऊपर लकड़ी के घर में मैं रुका हुआ हूँ, आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा, तो पूरा लकड़ी का घर है। एक मिनट यार, मैं ये डोर क्लोज कर दूँ, कहीं पे खुला ना रह जाए। तो हाँ भाई, यहाँ से हम लोग ऐसे ऊपर जाते हैं। और भाई ये जगह इतनी खूबसूरत है, यहाँ पे ना रात को हल्की हल्की फॉग आ जाती है, और भाई बहुत खूबसूरत लगती है जगह। हाय, योर नेम इज वाई राइट? तो भाई इसका नाम है वाई, शी इज फ्रॉम चाइना, से हाय टू माय ऑडियंस। ओके लेट्स गो, सो यू वांट टू ड्राइव? यू ड्राइव बिकॉज़ आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव हियर एंड यू हैव एक्सपीरियंस। I don't have internet on my phone. Okay. Okay, but I have offline map, so I'll let you know. So ये भाई मेरी दोस्त वाई, जो कि चाइना से है। So एक मस्त बात बताता हूँ, वाई जो है इंडिया घूमना चाहती है। So I'm telling my audience that you want to travel India. What you like most in India? I like India culture. You like Indian culture? Yeah. Is it like difficult to get Indian visa in China? Yeah, very difficult. Why like? I didn't understand. Because as an Indian, if I want to go China, it's really easy. So why? Why? Because government. I don't know why. Really. Just because of the government? Yeah. तो भाई ये चीज मैंने ना पहले 2-4 चाइनीज लोगों से और भी सुनी है कि अगर वो इंडिया ना चाइना तो वो आ ही नहीं सकते, उनकी गवर्नमेंट उनको अलाउड ही नहीं करती इंडिया आने के लिए। ये भी इंडिया घूमना चाहती है लेकिन ये कह रही है कि हमारी गवर्नमेंट अलाउड नहीं करती। मेरे को समझ नहीं आता क्यों, हो सकता है पॉलिटिकल जो रिलेशन है उसकी वजह से, लेकिन एज एन इंडियन अगर मैं चाइना जाना चाहूँ ना तो भाई बहुत ईजी है मेरे लिए जाना, लेकिन इन चाइनीज सिटीजन के लिए इंडिया में आना यार बहुत हार्ड है। लाइक फॉर अस इट्स रियली ईजी टू गो चाइना, बट फॉर यू आई डोंट नो व्हाई। मैं श्रीलंका में था तो मैं वहां पे भी एक ना चाइनीज से मिला था, तो उसने भी मेरे को सिमिलर बात बोली। मलेशिया में चाइनीज से मिला, उसने भी मेरे को सिमिलर बात बोली। जायजाई था उसका नाम, लड़की का नाम जायजाई था जिससे मिला था, मेरी वीडियो में भी है वो। उसने मेरे को ये बोला कि वो इंडिया घूमना चाहती है लेकिन उनकी गवर्नमेंट उन्हें अलाउड नहीं करती। आई डोंट नो व्हाई योर गवर्नमेंट इज नॉट अलाउ यू, बट दैट्स फाइन, एटलीस्ट यू आर ट्रैवलिंग हियर इन साउथ एशिया। आर यू अ ब्लॉगर? यस, आई एम ब्लॉगिंग, यस। Because we are here, yeah. So we have to pick the blue route. Yes, yeah, so we have to go this way.
ओके लेट्स गो। तो चलो यार अब हम जा रहे हैं वापस सिटी में। क्या खूबसूरत नज़ारे है भाई। आप लोगों को याद होगा जिस दिन मैं आया था ना उस दिन भी भाई फुल बारिश हो रही थी यहाँ पे, सड़कें भाई भर रखी थी, सड़क दिख भी नहीं रही थी भाई इतना पानी था। और अभी भी देखो सामने पूरा बारिश वाला मौसम है। और भाई ये थोड़ा सा आउटर का एरिया है सिटी से। बाकी मैंने आपको बताया था ये एक फ्रेंच कॉलोनी है, तो सारे घर फ्रेंच और यूरोपियन स्टाइल से इंस्पायर्ड है। ज्यादातर घर जो है लकड़ी के बनते हैं, मेरे को नहीं समझ आता क्यों, क्योंकि अगर बारिश ज्यादा आती है और लकड़ी के घर है तो पानी में तो लकड़ी खराब ही होती है, तो मेरे को नहीं पता ये लोग क्यों इतना लकड़ियों के घर बनवाते हैं। मतलब जहां स्नो पड़ती हो वहां लकड़ी का घर फिर भी थोड़ा कामयाब है, लेकिन जहां इतनी बारिश होती हो वहां पे लकड़ी के घर क्यों बना रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा। पर ठीक है जो भी है।